कार दोस्तों, सबसे पहले देख सकते हो स्क्रैच कार्ड है, मैंने इसको स्क्रैच किया, 1000 रुपये मुझे मिल चुका है और ये 1000 रुपये को मैं बैंक में भी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। ये आप भी अर्निंग कर सकते हैं। जी हाँ, देखो ये इजीली जैसे स्क्रैच करेंगे 1000 मिलेगा, बैंक में चले जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे कुछ स्टेप को आपको कंप्लीट करना होगा और स्टेप कंप्लीट करते तो आप बिल्कुल फ्री में 1000 रुपये बिल्कुल फ्री में आप सभी लोग अर्निंग कर सकते हैं। साथ ही मैं दूसरा ऑफर बताने वाला हूँ जिसके माध्यम से आप 100 रुपये का कैशबैक इजीली अर्न कर सकते हैं। कैसा क्या फुल डिटेल बता देता हूँ, वीडियो को पूरा देखोगे गारंटेड कैशबैक की अर्निंग करके जाओगे। और अगर आप टेलीग्राम को ज्वाइन हो जाते हो तो इस ऑफर से रिलेटेड जो भी अपडेट ऑफर लूट आता है सबसे पहले टेलीग्राम पे मिलता है, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक। ऑफर की बात करते हैं जिसमें आप 1000 रुपये अर्निंग कर सकते हैं। देखो 1000 रुपये मिल रहा है तो सभी को 1000 रुपये देगा तो कंपनी तो ऐसे ही बंद हो जाएगा ना, तो आप समझ रहे हो कि इसमें आपको कुछ स्टेप कंप्लीट करना होगा। देखो ऑफर निकल के आ रहा है IND मनी एप्लीकेशन की तरफ से। कुछ दिन पहले ही इसमें एक और ऑफर निकल के आया था, वो ऑफर तो एक्सपायर हो गया, लेकिन एक न्यू ऑफर इसमें चलते चले आ रहा है जिसमें मैंने खुद ट्राई किया और फ्लैट 1000 का कैशबैक की अर्निंग किया। ठीक है, तो देखो इसमें करना कुछ नहीं, एक सिंपल शब्दों में समझाऊँ तो इसमें एक आपको जो अकाउंट बनाना है, आपने पहले भी अकाउंट बनाया था जब मैंने वीडियो दिया था तब भी वो भी अकाउंट आपका चल जाएगा। ठीक है, कुछ दिन पहले दिया था तो इसमें आपको अकाउंट बनाना है, KYC करना है। ये प्रोसेस मैं ऑलरेडी उस वीडियो में बताया, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक भी दे दूंगा। ठीक है, इतनी प्रोसेस कर लिए, उसके बाद यहाँ पे दो अकाउंट रहते हैं, एक सुपर सेविंग और एक US अकाउंट। और US अकाउंट में आपको 10,000 रुपये का डिपॉजिट करना होता है, कुछ नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बस डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट करके उस पैसे को आप निकाल भी सकते हैं, आपके बैंक में वापस भी ले सकते हैं। बस डिपॉजिट के वैसे आपको एक स्क्रैच कार्ड मिलेगा और उस स्क्रैच कार्ड में आपको 1000 रुपये का बिल्कुल फ्री में यहाँ पे अर्निंग हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए फुल प्रोसेस में आपको समझा देता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपको करना है। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, आपने अकाउंट बना लिया, ठीक है, नहीं तो अकाउंट बना लीजिएगा और रिफर कोड मस्ट यूज कीजिएगा। आपको ऐसा लिखा आना चाहिए कि आप यहाँ जो है इनने आपको रिफर किया, ठीक है, क्योंकि इसी से आपको एक स्क्रैच कार्ड मिलेगा जिसमें आपको 1000 का जो है बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपने अकाउंट बना के KYC वगैरह सब कंप्लीट कर लिया और आपका अकाउंट रेडी हो चुका है जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। ठीक है, अभी आपको करना क्या है, जैसे रिवॉर्ड वाले सेक्शन में आएंगे आपको 2 स्क्रैच कार्ड देखने को मिलेंगे और 2 आपको रिवॉर्ड के तौर पर जिसमें कितना भी अमाउंट फेसबुक वगैरह गूगल वगैरह का मिलेगा, जैसे 6-7 रुपये का, वो तो जाने दीजिए वो अलग बात है, लेकिन एक आपका लॉक रहेगा टेस्ला वाला। ठीक है, उसमें आपको 1000 रुपये मिलेगा, लेकिन उसको अनलॉक करने के लिए अभी आपको करना क्या होगा, बीच में आपको डॉलर वाला यानी US अकाउंट वाला ऑप्शन मिलता है। ठीक है, उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऊपर में ऑप्शन आ जाएगा मनी वाला, एड मनी वाले, जिस पर क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने 10,000 ऑटोमेटिक डाला रहेगा और एक ऑप्शन नीचे में शॉप होगा जिसमें बोला जाएगा कि आपको 1000 रुपये तक टेस्ला का यहाँ पे स्टॉक मिलेगा जिसको आप सेल करके अपने बैंक में उसको पैसे को ले सकते हैं। ठीक है, नीचे में आपको शॉप होगा कुछ इस टाइप का, आप चेक कर लीजिएगा, शॉप हो रहा है तब यहाँ पे भी आपको शॉप हो सकता है। ठीक है, नीचे में, या फिर आप रिवॉर्ड वाले सेक्शन में आएंगे तो आपका टेस्ला वाला लॉग्ड रहेगा इस प्रकार का, जहाँ पे आपको बोलेगा कि आप यहाँ पे जो है 10,000 का फंडिंग करते हो US अकाउंट में, तो आपको इंस्टेंटली एक स्क्रैच कार्ड यहाँ पे मिल जाएगा जैसे डिपॉजिट होता है। तो यहाँ पे आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे आपको जो इनकी डिपॉजिट फीस है 0 रुपये है INDMoney मनी की। ठीक है, कुछ GST थोड़ा बहुत चार्जेस लगता है बस, और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो फिर से आपको बैनर शो होगा जहाँ पे आपको बोला जाएगा कि फिर से एक बार कि इस ट्रांजेक्शन के लिए आपको 1000 रुपये का स्क्रैच कार्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक बात का याद रखना, नीचे में आपको बैंक शॉप होगी तो यहाँ पे बैंक वही बैंक को सिलेक्ट रखना जिस बैंक को आपने इस INDMoney मनी में लिंक किया, चाहे एक बैंक हो, 2 बैंक हो, जो भी बैंक हो यहाँ पे लिंक है उसी से आपका पैसा डेबिट होना चाहिए। ठीक है, तो उस बैंक को सिलेक्ट करके आप कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा। अब जो भी आपके UPI ID है या Paytm है उसको सिलेक्ट करके आप कंटिन्यू कर दीजिएगा। कंटिन्यू करेंगे डायरेक्टली आप एप्लीकेशन में चल जाएंगे या UPI भी डाल सकते हैं और उससे आपको पेमेंट कर देना है जिस बैंक को यहाँ पे आपने लिंक रखा। सक्सेसफुली मैंने मनी तो यहाँ पे जो डिपॉजिट कर दिया, लेकिन यहाँ पे जो ये SEBI द्वारा जो रेगुलेट है, आपको पता है कि RBI मतलब SEBI द्वारा रेगुलेट है, तो यहाँ पे ये कुछ जो स्टेटमेंट आपके बैंक का मांगते हैं। ठीक है, लास्ट 1 ईयर का, तो स्टेटमेंट देखो ज़्यादा सिंपल नहीं, 2-3 तरीके हैं। पहला तो ये ऊपर में रहेगा जीमेल स्कैन वाला, अगर आपका कोई भी बैंक का यहाँ पे स्टेटमेंट डाल सकते हो, या आपके जीमेल पे आता है ना तो ऊपर में ही जीमेल स्कैन का ऑप्शन रहता है, उसको स्कैन करेंगे ना तो आपके जीमेल को स्कैन कर लेगा और आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेगा। ठीक है, आपका यहाँ फिल हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन रहता है यहाँ पे बैंक वाला, जिसमें यहाँ पे 2-4-5 जो भी बैंक है उस बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो उस बैंक को सेलेक्ट करके आप 1-2 बार OTP डालेंगे तो आपका स्टेटमेंट मिलेगा। तीसरा रहता है मैनुअली वाला। मैनुअली में क्या कीजिएगा कि Paytm या कोई भी आपके पास, अगर आपके पास यहाँ पे स्टेटमेंट पड़ा हो, लास्ट बता देगा आपको कि इस डेट के से इस डेट के बीच चाहिए, यानी लास्ट 1 ईयर का। ठीक है,
तो यहाँ पे आप पेटीएम पेमेंट बैंक से डाउनलोड कर सकते हो, इजी है कितना, आपको पता है, यूट्यूब में देख सकते हो या बहुत सारे लोगों को पता होगा, तो उसको मैन्युअली भी यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। करते समय ना पेटीएम पेमेंट बैंक का अपलोड किया था, ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे एयरटेल पेमेंट बैंक ऐड किया है तो आपको पेटीएम का ये जो डालना है कोई भी बैंक का डाल सकते हो, ठीक है, मतलब जो भी बैंक अवेलेबल हो कोई भी बैंक ऐड कर ही रहना चाहिए और कोई का भी आप अपलोड कर सकते हो। मैं जो पेटीएम का डाउनलोड किया, ड्राइव पे लिया और ड्राइव का डायरेक्टली यहाँ पे अपलोड कर लिया, सक्सेसफुली हो चुका है। जैसे ही करते थोड़ा इन प्रोग्रेस में आपका अमाउंट चले जाता है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगता है और ये जो अमाउंट है कुछ टाइम में आपका सुपर सेविंग अकाउंट में यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सुपर सेविंग अकाउंट में आ गया, उसके बाद देखो यहाँ पे होता क्या है कि सुपर दो अकाउंट होते हैं, एक सुपर सेविंग अकाउंट होता है, एक यूएस अकाउंट होता है। तो सुपर सेविंग अकाउंट से आपको यूएस अकाउंट में जाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो अभी हमने जो बैंक स्टेटमेंट अपलोड किया इसको वेरीफाई होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, वेरीफाई हो जाता है उसके बाद में ये प्रोग्रेस होता है। आप हिस्ट्री में देखेंगे तो आप ट्रैक कर पाएंगे, देखो सुपर सेविंग का अकाउंट आपका प्रोसेस हो जाएगा यूएस अकाउंट में जाने के लिए और आपको हिस्ट्री में, मैंने 30 जुलाई को किया था, मेरा 1 अगस्त को जो है सुपर सेविंग से होते हुए सब कुछ वेरीफाई होके 1 अगस्त को मेरे जो यूएस अकाउंट में आ चुका है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, आप ट्रैक भी कर सकते हो। देखो ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन आपको अमाउंट भी तो ह्यूज मिल रहा है। देखो मैंने वेट किया, मेरा यूएस अकाउंट में ये जो अमाउंट आ चुका है 2 दिन इंतजार करने के बाद आ गया। जैसे ही मिला मैं रिवॉर्ड वाले सेक्शन में आता हूँ, वही टेस्ला वाले स्क्रैच कार्ड को स्क्रैच करता हूँ तो 1000 रुपये बिल्कुल फ्री मिल चुका है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो। अब ये 1000 रुपये मिल चुका है मुझे, ये तो अलग बात है, ठीक है, लेकिन जो हमने डिपॉजिट किया अब उसको विड्रॉल भी कर सकते हैं। अगर जो अमाउंट आपने डिपॉजिट किया उसको विड्रॉल कैसे करेंगे, सबसे पहले तो बता दूं कि देखो ये इन्वेस्टमेंट वाला एप्लीकेशन है, आप करना चाहे तो कर सकते हैं, मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा। जैसे गूगल, फेसबुक, बहुत सारे यहाँ पे स्टॉक अवेलेबल रहते हैं, ठीक है, जिसको परचेस करेंगे तो इनका 2-3 साल पहले का रिकॉर्ड देखेंगे तो ये लगभग 30-40% ऐसा ग्रोथ देते जाता है। मैं कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, आप जो अपने इस पर रिसर्च करके आप करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो अब आपको विड्रॉल करना है तो करना क्या होगा, वही आपको यूएस अकाउंट वाले सेक्शन में आ जाना है, ठीक है, मैनेज अकाउंट पे क्लिक करना है। ऊपर में आपको 2 ऑप्शन रहते हैं, एक जो यूएस वाला और एक सुपर सेविंग, तो अब आपको यूएस अकाउंट से सुपर सेविंग में डालना है, ठीक है। तो देखो यार यहाँ पे आप यूएस से सुपर सेविंग में डालोगे तो आपको यहाँ पे चार्ज देना होता है, कितना डॉलर का, $5, यानी बहुत ह्यूज होता है, लेकिन मैं तरीका बताऊंगा उससे आपको बहुत कम चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है, और आपका बेनिफिट भी अच्छा खासा है। तो देखो इसके लिए आपको ना इसका प्राइम मेंबरशिप लेना होता है, प्राइम मेंबरशिप 99 रुपीस का आता है, अगर आप $5 का देखेंगे तो 400-500 रुपये लगता है, तो हम उतना तो देंगे नहीं, समझ रहे हो ना, तो हम क्या करेंगे प्राइम मेंबरशिप वही 3 डे जो है प्रोफाइल पे क्लिक करके ले लेंगे, ठीक है, कहीं से भी पेमेंट करके। अब उसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं, हमारा कंप्लीट होने के बाद वही जो है प्रोफाइल वाले सेक्शन पे जाके कैंसिल वाले बटन पे क्लिक करेंगे, कैंसिल भी हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे अब यूएस अकाउंट से आपको सुपर सेविंग में लेना है, तो इसके लिए आपको यूएस अकाउंट पे क्लिक करना है और विड्रॉल वाले बटन पे क्लिक करना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बात, जैसे विड्रॉल करने जाएंगे ना तो यहाँ पे जो आपको 1000 रुपये मिला रिवॉर्ड के तौर पे, ये जैसे आपका ओल्ड अकाउंट होना चाहिए, मतलब 15 दिन तक आप इस अकाउंट को, मतलब 15 दिन के बाद जो रिवॉर्ड वाला बैलेंस आप विड्रॉल कर सकते हैं। और जैसे मैंने ऑफर बताया था तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 10 दिन तो हो ही गए मान लो, ठीक है, ये तो हो गए, अगर आप आज बनाएंगे तो रिवॉर्ड वाले को 15 दिन बाद विड्रॉल कर पाएंगे। और जो आप यूएस अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं ना, वहाँ से जैसे सुपर सेविंग में ट्रांसफर करेंगे तो वो सुपर सेविंग में नहीं होता, डायरेक्ट आपके जो बैंक अकाउंट डिटेल ऐड किए ना वहीं पे होता है, लेकिन वो भी ट्रांजेक्शन डिपॉजिट डेट से लेके जो विड्रॉल डेट आपकी रहना चाहिए वो 7 दिन का अंतर रहना चाहिए, ठीक है, 7 दिन का। आप टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने खुद 2-3 अकाउंट से कर चुका हूँ और सभी का हो जाएगा, ठीक है, ट्रस्टेड है। तो आप यहाँ पे जिस दिन डिपॉजिट करेंगे उसके 7 दिन बाद यहाँ पे विड्रॉल लगा लीजिएगा, जैसे देख सकते हो मैंने विड्रॉल लगाया, सक्सेसफुली मेरा जो है यहाँ पे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है, ठीक है। अब देखो जो आपको अमाउंट मिला है रिवॉर्ड के तौर पे वो आपका अलग सोफ होगा, रिवॉर्ड वाले सेक्शन में आएंगे, रिवॉर्ड वाले स्टॉक में सोफ हो जाएगा, ठीक है, उसमें सिंपल सा सेल पे क्लिक करना है, सेल पे क्लिक करके आपको डायरेक्टली अपने बैंक में ले लेना है, जैसे देख सकते हो ये 1000 रुपये मैं ले चुका हूँ, ठीक है, इसमें कोई झंझट नहीं है। यानी सिंपल शब्दों में समझाऊँ तो आपको इसमें एक न्यू अकाउंट बनाना है, KYC करना है, सुपर सेविंग से होते हुए मतलब यूएस अकाउंट में डिपॉजिट करना है, ठीक है, फिर जो यूएस से आप जो विड्रॉल भी कर लेंगे फुल अमाउंट, कोई दिक्कत नहीं है, और जो रिवॉर्ड वाला है उसको भी यहाँ पे विड्रॉल कर लेंगे। यूएस अकाउंट से आपका जो है बैंक में आने के लिए जो है विड्रॉल करने के लिए आपका जो है थोड़ा 7 दिन विड्रॉल टाइम लगता है, और जो रिवॉर्ड वाला है उसके लिए आपको 15 दिन लगता है, ठीक है, बाकी थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन हो जाता है, ठीक है, जैसे प्रूफ देख सकते हो। तो यार लूप, और हाँ सेम प्रोसेस अगर आप अपने फ्रेंड को करवाते हो रिफर का भी यहाँ पे आपको 1000 मिलेगा, तो लूटो धमाकेदार है। अगला जो ऑफर है इसमें आपको 100 रुपये का कैशबैक मिल जाएगा, सिंपल सा ऑफर है। देखो डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको टेलीग्राम पे एक लिंक दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करना, अपना पेटीएम नंबर डालना है, एप्लीकेशन डाउनलोड इंस्टॉल ओपन अकाउंट बना लेना है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते ही कुछ टाइम में जो आपने पेटीएम नंबर दिया ना उस पर 1 रुपये का अपना आपके अपने पेटीएम वॉलेट में, समझ रहे हो, 1 रुपये ट्रांसफर किया जाएगा, और उस अगर जैसे आपके इसमें 1 रुपये आ जाता है ना, तो अब आपको यहाँ पे
₹60 का डिपॉजिट कर लेना है उस एप्लीकेशन में। देखो डिपॉजिट कर लिया, डिपॉजिट वाला है, अब उस ₹60 से आपको गेम प्ले कर लेना है, 12-12 वाले 5 बार ज्वाइन कर लेना या कोई भी गेम आप 5 बार यहाँ पे प्ले कर लीजिएगा। बस इतना सा काम आपको करना है, आप जीते या हारे उससे कोई फर्क नहीं गिरता, लेकिन आपने जो पेटीएम नंबर डाल के इतनी प्रोसेस किया ₹60, उससे कम नहीं ज़्यादा ₹60 ही करना है आपको, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 24 से 48 आवर्स के बीच बीच आपको ₹100 का पेटीएम कैशबैक, जैसे बहुत सारे जो टेलीग्राम पे ज्वाइन है उन्होंने अर्न कर लिया, ठीक है, तो आपको भी मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम को मस्ट ज्वाइन हो जाना, इसी प्रकार के 100, 200, 300, 400 रुपये की अर्निंग 2-3 मिनट में ही अर्निंग कर सकते हो आप, तो टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन हो जाइएगा। थैंक यू सो मच।